now we have come to the part that i love the most making money obviously i love making money एवरी वन एंड मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं बाय लर्निंग वर्ल्ड प्रेस एंड गोइंग ऑनलाइन लेकिन जो दूसरा पार्ट इसमें है वो है अबाउट अपवर्क एंड फाइवर और अपवर्क एंड फाइवर आर बोथ नोन एज द वर्ल्ड्स टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म्स वेन इट कम्स टू फ्री लांसिंग तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ फ्री के बारे में फ्री लांसिंग से आप कैसे पैसे बना सकते हैं खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर सो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि फ्री लांसिंग क्या है फ्री लांसिंग आखिर क्या है फ्री लांसिंग इज अ न्यू वे ऑफ वर्किंग पीपल ऑल्सो कॉल इट अ रिमोट वे ऑफ वर्किंग एक ऐसा तरीका जिससे दुनिया घूम के आप अपने ही इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स थैंक्स टू द इंटरनेट और आप एक्चुअली दुनिया को घूम सकते हैं दुनिया के साथ पैसे भी बना सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग तो आपका क्वेश्चन होगा इधर कि हम कितने पैसे बना सकते हैं यूजिंग फ्री वेल अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट इज यू कैन मेक एज मच एज हंड्रेड डॉलर यू कैन मेक एज मच एज अ हंड्रेड थाउजेंड डॉलर आप पे डिपेंड करता है बल्कि वो भी एक लिमिट नहीं है जितने ज्यादा पैसे आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं क्यों फ्री लांसिंग ने पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा ट्रेंड पाया है वाई इज इट ग्रोइंग इट्स बिकॉज द वर्क इज नो लॉन्गर अ प्लेस द वर्ल्ड एज यू कैन सी इज चेंजिंग पूरी दुनिया बदल रही है और अब काम ज नॉट बाउंड बाई लोकेशन आप कहीं से भी बैठ के किसी भी तरह का काम कर सकते हैं इन फैक्ट देर आर फ्री लांसर आउट देर जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान रैंक्स ऑन नंबर फोर वेन इट कम्स टू फ्री लांसिंग वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन तो ये कि नंबर फोर क्यों रैंक करता है वाई नॉट नंबर वन यू एंड मी टूगेदर वी विल मेक इट नंबर वन लेकिन आपको उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा और आपको उसके लिए अपना साथ देना पड़ेगा याद रखिएगा कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू दिस इज अबाउट पाकिस्तान यह हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं मिलके और एक साथ हम मिलके सीखेंगे एक साथ हम नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को क्रिएट करेंगे एंड इसी तरह वी विल बी एबल टू मेक पाकिस्तान द नंबर वन कंट्री इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनमी साथ साथ बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग तो हमने समझ ली हमने पढ़ भी ली इस पर पूरा एक कोर्स भी है शाम का विच इज ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन फ्री लांसिंग विच इज पार्ट ऑफ डीजी स्किल्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू सक्सीड एज अ फ्री लांसर पहले समझते हैं कि फ्री लांसिंग जो आप करते हैं वो किस पे होती है वो कैसे होती है फ्री लांसिंग हैपन्स ऑन अ मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस क्या है ये वो जगह है जिधर लोग खरीदो फरोख्त करते हैं सर्विसेज का खरीदो फरोख्त आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं और फोकस बहुत जरूरी है आपका फोकस यू शुड नो कि आप कौन सी सर्विस कैसे सेल करें आप जाके ये नहीं कह सकते कि मैं वर्डप्रेस भी कर सकता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूं मैं ग्राफिक डिजाइन भी कर सकता हूं योर क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर यू टू फोकस दे वॉन्ट यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड बी यूनिक एंड आपने देखना है कि आपके लिए कैसा क्लाइंट इज अ गुड मैच और आपने उनके लिए अपना प्रपोजल जो है वो टेलर करना है साथ ही साथ यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन वॉट यू डू यू कैन शो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड और उसके अलावा माई पर्सनल फेवरेट डिलीवर क्वालिटी If you have the option to deliver fast versus delivering quality work, always go for delivering quality work. Never in your life should you compromise on quality because your quality, your quality is a Pakistan judge. You are not just a freelancer yourself, you are representing this country. ऑन द फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म और आपको मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह दे सकता हूं कि जब भी आप किसी भी फ्री लांसिंग वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे या आपकी सर्विसेज के वहां पे मेंशन होगा तो पाकिस्तान का झंडा हमेशा साथ नजर आएगा आपकी कंट्री का नाम हमेशा वहां पे नजर आएगा यू शुड फील प्राउड एंड दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज डिलीवर क्वालिटी साथ ही साथ थोड़ी पेशेंस थोड़ा सब्र रखें बिकॉज पेशेंस विल ग्रेट फ्रूट्स। एक ही दिन में आप लखपति या करोड़पति नहीं बन जाएंगे सो टेक टाइम एंड ऑल्सो लुक एट वट आर दी ऑपरचुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू यू इन फ्रीलांसिंग कुछ कैटेगरीज हैं। आई टी एंड प्रोग्रामिंग है आपके पास आपके पास मोबाइल एप्स हैं। आपके पास डिजाइन और राइटिंग है यू हैव सेल्स इन मार्केटिंग एंड यू हैव एडमिन ऑपरेशन एक ह्यूज इकोसिस्टम है जिसमें आपके पास ऑपरचुनिटी ही ऑपरचुनिटी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वट इज दीक्रेट सॉस टू फील आम सिंग और इसका जवाब मैं यूजली तौर पर तो देता होता हूं ये पूछ के कि क्या आपको बिरयानी पसंद है तो आप मुझे कहेंगे यस yes. एवरी वन लाइक्स बिरयानी बिरयानी ज ए फूड दैट एवरी वन पाकिस्तान लव बिरनी की क्या चीजें हैं जो सबको काफी ज्यादा पसंद है उसके मसाले सो so इसी तरफ जो फ्री लासिंग है उसकी भी एक सीक्रेट सॉस है उसका भी एक यूनिक मसाला है और वो सीक्रेट सॉस इज कम्प्राइज ऑफ फोर इंग्रेडिएंट्स चार इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन प्लेटफॉर्म जरूरी है कि आप डिसाइड करें और देखें कि आपने अपवर्क पे काम करना है या फाइवर पे काम करना है और हर प्लेटफॉर्म शायद आपके लिए सही ना रहे बट दीज आर द टू प्लेटफॉर्म्स विच आर वेरी क्रूशल फॉर फ्रीलांसिंग फिर आपने देखना है कि मार्केट कौन सी वो कौन सी मार्केट है जिस पे मैं अपनी स्किल जाके सेल करूंगा अगर वर्ड है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बीपेटेटिव मार्केट बिकॉज वर्ड प्रेस इज ईजी टू लर्न अगर इससे कोई एडवांस चीज है तो हो सकता है यू आर बेटर ऑफ बट यू हैव टू डिफाइन योर ओन मार्केट साथ ही साथ प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से बनाना उसको अपडेट रखना अपनी स्किल्स अपने पोर्टफोलियो के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ आपका प्रपोजल ये इज नॉट योर मैरिज प्रपोजल दिस इज द प्रपोजल दैट यू विल बी गिविंग टू योर क्लाइंट्स सो दे कैन वर्क विद यू सो ये चार इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए इट्स वेरी क्रूशल टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ देम एक एक करके टू सी वट वर्क फॉर यू एंड वट डजन और हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ नीड्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं अपवर्क इज़ वेरी डिफरेंट टू फाइवर फाइवर इज़ वेरी डिफरेंट टू अपवर्क तो आपने डिसाइड करना है आपने देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी और साथ ही साथ देखते रहें कि कौन सी स्किल्स अपकमिंग हैं कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल को और अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको पता है कि अगर अपर पे इफ यू हैव अ स्माइलिंग डिस्प्ले पिक्चर तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब फ्रीलांसिंग जॉब इंक्रीज मेनी फोल्ड है ये कैसी क्रेजी बात है कि जी मैं अपनी एक स्माइलिंग डीपी लगा दूं अपवर्क पे तो मुझे जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी वेल अपवर्क ये कहता है अपर के खुद सजेस्ट करता है क्यों बिकॉज दैट शोज अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड और ये आप सबको टिप है सारे वो लोग जो सुन रहे हैं कि अगर आप अपनी अपवर की प्रोफाइल बनाएं तो प्लीज उस पर एक अच्छी सी स्माइली डीपी जरूर लगाए एंड देन इट्स अबाउट द प्रपोजल तो एक कोट uh, है कि इफ यू सेल समथिंग यू मेक अ कस्टमर फॉर अ डे इफ यू हेल्प समवन

मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस स्टेज पे अगर आपके पास स्किल्स सही नहीं है या एडवांस नहीं है कि आप अपवर्क पर प्रोफाइल बनाएं आई वुड रिकमेंड यू कि आप फाइवर से स्टार्ट करें फाइवर पे जाके अपनी गिग्स बनाएं एंड वंस यू रीच अ प्रोफेशनल लेवल यू गो टू अपवर्क पूछें क्वेश्चन एंड कनेक्ट करें हमारे साथ सो वी कैन गिव यू द राइट एडवाइस एंड वी कैन टेल यू कि कैसे आप फ्रीलांसिंग में एंटर होके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं